Hello, Namaskar, and a very good afternoon to all the viewers watching NCRT's live interactive session. This is Simran Singh and you have all connected with us through eVidya channel number 10. Besides this, you can always connect with us and join for the diverse programs that we conduct throughout the day. Through our YouTube channel, you all know it is NCRT official. और दर्शकों, इस आधे घंटे के लिए हम साइंस का यह सत्र लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के हमारे सभी छात्र छात्राओं के लिए. एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स ऑल अबाउट लाइफ प्रोसेसेस एंड द एरिया ऑफ डिस्कशन विल बी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. एंड प्रोवाइडिंग अस मोर इनसाइट्स इनटू द कन्वर्सेशन वी हैव विद अस प्रोफेसर कृष्ण कुमार शर्मा सर. नमस्कार सर. नमस्ते. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. सर इज एक्स वाइस चांसलर फ्रॉम MDS यूनिवर्सिटी अजमेर राजस्थान. और दर्शकों, आप सभी वो तमाम जरिए जानते हैं जिनके माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क साध सकते हैं. आपकी स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहा है 8800440559. इस नंबर के ज़रिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं. और यदि आप ईमेल आईडी के ज़रिए भी अपने प्रश्न और अपने सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी आधिकारिक ईमेल आईडी है dth.class10@cieet.nic.in. तो चलिए, आप और हम मिलकर अपने साइंस के इस सत्र की यहाँ पर शुरुआत करते हैं. और सबसे पहले सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आज का हमारा जो विषय है उसमें हम क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे सभी विद्यार्थियों को बताएं. बहुत अच्छा सिमरन जी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट हमने लिया है. और ये क्योंकि लाइफ प्रोसेस है, हम सभी लिविंग बीइंग्स हैं तो हमको अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमारे आसपास में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए. तो आज हम लाइफ प्रोसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, कि हमारे यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म चलती रहती है, ब्लड फ्लो करता रहता है, हार्ट बीट करता रहता है, इन सब के बारे में बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए हूँ. एंड आपका एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस, उसका एक हिस्सा है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. तो सबसे पहले मैं आपको, देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर फंडामेंटल्स. आपके फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं. लेकिन रटने के साथ में आंसर्स नहीं आते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू क्लियर सर्टेन फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल गेट एक्सेलेंट नॉलेज अबाउट दी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. एंड आई एम श्योर विद दिस small session you will be able to answer nearly all questions related to this unit. So सबसे पहले देखिए, आपके सामने जब भी कोई चीज़ दिखाई देती है, जैसे watch दिखाई देती है, stool, table, कोई भी चीज़, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि are these living beings or non-living. और यही इसी से शुरुआत होती है आपकी life process की topic की जो NCERT की book के अंदर है. तो आप सब लोग जानते हैं, हम चलते हैं, सांस लेते हैं, हम ग्रो करते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं. इनको बहुत सारे बायोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये लिविंग बीइंग्स हैं. लेकिन लिविंग बीइंग्स की बहुत सिंपल जो डेफिनेशन है, लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. हमेशा इनके अंदर देखिए, जैसे दीवार है हमारी या कुर्सी है, टूट जाती है तो अपने आप रिपेयर नहीं कर पाती है ना. परंतु हमारे यहाँ पर कभी चोट लग जाती है, हमारे यहाँ पर कुछ भी हो जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर रिपेयरिंग की प्रोसेस चलती रहती है. एंड दैट्स व्हाई वी आर मेंटेनिंग अवर बॉडी स्ट्रक्चर. सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं और ये मॉलिक्यूल्स बहुत यूजफुल होते हैं जो हमारे शरीर को बनाए रखते हैं, ऊर्जा देते हैं, कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं. तो दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. हमारे मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रक्चर जो है, जैसे मान लो मेरा हाथ है, मेरे पैर हैं, दीज आर दी स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स विच आर इन देयर प्लेसेस. लेकिन जो एनर्जी बनाने के लिए है, हमें फूड के लिए है, ये मॉलिक्यूल्स हैं वो दिन रात चलते रहते हैं. आप भले ही सो रहे हैं या जग रहे हैं, आप क्लास में इस तरह से बहुत बढ़िया अच्छी तरह से हंस रहे हैं, या मान लो हेड डाउन कर रखा है, या कभी थक गए घर पर भी आप सो रहे हैं, बट दीज मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूसली अंडर ट्रांसपोर्टेशन इन योर बॉडी. ये हमारे शरीर है, हमको अंदर की चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन ये रियलिटी है. चाहे हमारे मसल्स हैं, देखिए मस्कुलेचर दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे स्केलेटन दिखाई दे रहा है आपको, ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं. हम खाना खाते हैं, खाना पचता है, ये देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रखा है, बहुत सारे आप खुद भी देखते हैं कि आपके शरीर में ब्लड वेसल्स हैं, आप सांस लेते हैं. So, oh, this is beautiful.
पिक्चर आई हैव ब्रॉट एन एनिमेशन. देखिए ये हमारा यू ऑल नो नाउ टेंथ में आ गए हैं कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. दिस इज द सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ. इसके अंदर देखिए दिन रात ये प्रोसेस चलते रहते हैं, कुछ बन रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है. और ये सेल यू कैन सी दी सेल इज गोइंग टू मेक सो मैनी वर्क, सो मैनी फंक्शंस. एंड दीज आर दी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर न्यूक्लियस है. सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन एवरी मोमेंट इन अवर बॉडी. आप देखें, देखिए आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सेल्स के अंदर ये राइबोसोम्स आए, ये मॉलिक्यूल्स आए, डीएनए के मैसेंजर आ रहे हैं, नया कुछ बन गया और ये जाके गॉल्जी बॉडीज में चलेंगे. एवरी मोमेंट, हर क्षण हमारे शरीर के अंदर इस तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं. एंड ऑल्दो यू नो व्हाई आई एम स्पीकिंग, बिकॉज आई गॉट एनर्जी. मेरी एनर्जी में मेरे लंग्स हैं, मेरे ब्रीथ कर रहा हूँ, लैरिंग्स हैं, ये श्वास की नली है. ये बोलने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है ना. और जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में हमारे जो जैसे आज आपने चपाती खाई, आलू खाया, आपने देखा कि आपके अंदर डाइजेशन हो गया, पेट के अंदर जाके डाइजेशन से ग्लूकोज बन गया, एक बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनते हैं, ग्लिसरॉल्स फैटी एसिड्स बनते हैं अपने घी से, तेल से. तो ये मॉलिक्यूल जाके एक हमारे सेल के अंदर स्ट्रक्चर है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया में निरंतर ATP ADP चलता रहता है. यानी कि जब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, तीन फॉस्फेट यदि मॉलिक्यूल्स हैं तो एनर्जी उनमें संग्रहित है, रिजर्व है. बट वंस वन फॉस्फेट इज गॉन देन द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. सो जब तीन से दो बन जाते हैं, एनर्जी बन रिलीज हो जाती है. व्हेन थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स आर देयर, एनर्जी इज कंजर्व. और एनर्जी कहाँ से? वही हमारा खाना खाते हैं. खाना खाने के बाद में ही तो हमारे जो भोजन के जो पार्टिकल्स हैं सेल्स में जाते हैं. यदि हम भोजन नहीं करेंगे, और भोजन तो कर लिया लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो. देखिए कितने कॉम्प्लिकेटेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. हर जगह पर हमारे यहाँ पर भोजन पहुँचना चाहिए, ऑक्सीजन पहुँचना चाहिए. इसी को आज हम समझेंगे, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन. इन दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस the maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing anything. जैसे हम सो रहे हैं तो भी हमारे फंक्शन चलते रहते हैं. इवन वेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन. हमारे शरीर में मेंटेनेंस का, यानी कि हर क्षण कोई भी प्रोटीन का बनना है, कहीं जरूरत पड़ गई कि भाई यहाँ पर कोई प्रोटीन के द्वारा रिपेयर होना है, ऑल दीज प्रोसेस शुड गो ऑन. इन ऑर्डर टू मेंटेन फंक्शंस ऑफ अवर बॉडी वी नीड एनर्जी. है ना, ये पहला बॉक्स जो दिखा रखा है, वी नीड एनर्जी. फ्रॉम वेयर एनर्जी कम्स फ्रॉम? फूड से आती है. सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एवरी मोमेंट मॉलिक्यूलर प्रोसेस आर गोइंग ऑन इन साइड द सेल्स, जो मैंने अभी आपको एक एनिमेशन से बताया. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज रिक्वायर्ड. यदि ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा सब जगह, सपोज माय ब्लड स्टैंड्स स्टिल और कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, तो आप देखें ना, तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी सेलुलर मेटाबॉलिज्म से वो बाहर निकल के नहीं आएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे. ना ही सांस के जरिए जो ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुँच पाएगी. ना ही फूड जो हम खाना खाया वो हमको एनर्जी देने के लिए उपलब्ध हो पाएगा. सो ट्रांसपोर्टेशन of molecule is a must. That's why the name of the chapter is transportation in human being. So ye ki panchwa jo chapter hai iski jo starting transportation in human being, ye aapki book se hi hai. I am touching all those components which are there in your book, jisse ki aapko koi difficulty nahi aaye. Ab ye session sunne ke baad mein jab aap pustak ko padhenge to aapko bilkul clear ho jayega. So aap kya kare कि मैंने अभी बताया ना कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचती है. कौन पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है. ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है. हमारा जो लाल रंग दिखाई देता है ब्लड का, हीमोग्लोबिन. तो एक छोटी सी एक्टिविटी आप यहाँ पर दे रखी है, यू विजिट एनी प्लेस वेयर ब्लड डायग्नोसिस इज गोइंग ऑन. कई बार जाते हैं ना हमारे पेरेंट्स जाते हैं, हम जाते हैं कि भाई रक्त की जाँच करानी, हीमोग्लोबिन कितना है, अरे ये तो एनीमिक हो गया, बिल्कुल सफेद दिखाई दे रहा है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी होगी. तो आप क्या करें, किसी भी नज़दीक के डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ पर ब्लड की जांच होती है, वहाँ जाके और जो डॉक्टर है उनसे पूछें, सर क्या हमारे अंदर हीमोग्लोबिन बराबर होता है, मेल्स में समान होता है, फीमेल्स में समान होता है या नहीं होता है, बच्चों में ज़्यादा कम होता है, और दूसरे जानवर हमारे आसपास में बफेलोज है, काऊ है, इनमें भी क्या इसी मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है.
तो सेंटर पर आप गए, आपने डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, वो अभी किसी का ये हीमोग्लोबिन मेजरमेंट करने के लिए ब्लड ले रहे हैं और फिर ये बता रहे हैं आपको, अरे भाई देखो ये हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के अंदर ये ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं और इसके अंदर ये चार में लाल जो दिखाई दे रहा हूँ ना, ये फोर आयरन एफिन दिखा रखा है ना, आयरन जो मॉलिक्यूल्स हैं और ये हीमोग्लोबिन यूनिट है। परंतु उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर 11 to 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होता है, एडल्ट मेल के अंदर जब हम जवान होते हैं ना तो 13.5 13.5 to 17.5 मेल में होता है, फीमेल के अंदर 12 to 15.5 रेंज करता है, यानी कि फीमेल्स में 12 से नीचे नहीं होना चाहिए और 15.5 इज ऑप्टिमम बेस्ट होता है, मेल्स के अंदर भी 13.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। परंतु जब हम छोटे होते हैं व्हेन वी आर इनबॉर्न देन दी परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन इज लेस और मोर, तो ये देख दिखा रखी है, व्हेन वी आर न्यू बॉर्न जस्ट पैदा ही हुए होते हैं तो 14 to 24 ग्राम, देखिए कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होते हैं बिकॉज अवर बॉडी इज ग्रोइंग। और ये पूरी डॉक्टर साहब आप गए तो आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि देखिए ये एक लिस्ट है, न्यू बॉर्न में 17 to 22 होना चाहिए, 1 वीक का बच्चा होता है 15 से 20 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, 1 मंथ में 11 to 15, फिर धीरे धीरे रिक्वायरमेंट हमारी जैसे चिल्ड्रन 11 to 13, जो अब ये क्लास में बैठे हैं 11 to 13 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए, एडल्ट जो मेल हैं व्हेन यू विल ग्रो एडल्ट सो 14 to 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर और वीमेन के अंदर 12 to 16 ग्राम प्रति डेसीलीटर। परंतु आपकी जिज्ञासा बड़ी भाई, एनिमल में कैटल में क्या होता है, बफेलो में 12.9 इज द ऑप्टिमम रेंज, हॉर्स के अंदर 11.5, देखिए तेजी से दौड़ता है लेकिन इसकी हीमोग्लोबिन रिक्वायरमेंट 11.5 है, बकरी के अंदर 10.9 होता है, भेड़ के अंदर 14.4, सो ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर हैविंग डिफरेंट रेंजेस ऑफ द हीमोग्लोबिन। अब आपका चैप्टर शुरू हो जाता है कि वो आवर पंप रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूड, हमारे शरीर में एक पंप है, आप देखिए आप यदि बैठे हुए हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं तो आपका चेस्ट है थोरेक्स है, यहाँ पर बाई तरफ हाथ लगा कर देखें दिल धड़क रहा है, धक धक धक, ये दिल धड़कता रहता है ना, हार्ट बीट करता रहता है, क्यों करता है, बिकॉज वी नीड टू सप्लाई द फूड मटीरियल ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हार्ट के अंदर क्या, हमारे 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ एक छोटी सी चीज समझें कि जब पल्मोनरी आर्टरी जो ये देखिए थोड़ा नीली सी शेड है ना, इट मींस इट इज लैक्स ऑक्सीजनेट, कई लोग कहते हैं कि ये गंदा खून, गंदा नहीं होता खून, लैक्स लेस ऑक्सीजनेटेड, सो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हेन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट कम्स फ्रॉम द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल और यहाँ से पंप किया, यहाँ से पंपिंग होती है जैसे पिचकता है हार्ट, पंप किया और ये हमारे लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज इम्प्योर ब्लड दैट इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स और वह लंग्स में पल्मोनरी वेन शुद्ध हो जाता है, हमारे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, शुद्ध भी बोलते हैं बट इट इज बेटर टू कॉल ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड, देन इट कम्स टू अवर लेफ्ट एट्रियम और यहाँ से देखो तीर दिखा रखा है, इससे हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और एकदम से फिर यहाँ बीट होती है, यहाँ पर मैं अभी दिखाऊंगा आपको, तो फिर ये हमारे एओर्टा के जरिए डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है। आई एम श्योर दैट यू माइट हैव गॉट इट बट आई एम मेकिंग इट मोर क्लियर। एक किसी ने मेरे से पूछा कि वाई वी नीड हार्ट इन आवर बॉडी, यदि हार्ट नहीं हो तो क्या काम चले, तो ये छोटा सा एक वीडियो से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए एक छोटी सी बोतल ले लें, ये मैंने किया है मेरी आवाज है, और इसके अंदर एक कलर फ्लूड ले लें, इस फ्लूड को इस पॉइंट तक पहुंचाना है अपन को, यदि अपन प्रेशर डालेंगे हाथ से तो ये फ्लूड यहाँ पर चले जाएगा, नहीं डालेंगे तो फ्लूड वहां की वहीं रहेगा। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड व्हाई वी नीड टू हैव हार्ट इन अवर बॉडी, पंपिंग की जरूरत होती है, देखिए पंप चल रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, अपना हार्ट ये ह्यूमन हार्ट है, ये बीट कर रहा है, मैंने भी आपको बताया था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर और ये लंग्स को जाता है, नीला जो दिखा रखा है दिस इज दीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट व्हेन इट इज ऑक्सीजनेटेड इट कम्स हियर एंड इट इज सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट इज वेरी क्लियरली एंड इन अ वेरी सिंपल मैनर आई हैव एक्सप्लेन इट, और यही आपने पुस्तक में दे रखा है कि
the blood that is coming from different parts of the body, ये blue रंग से दिखा रखा है, it goes to lungs, lungs की capillaries में alveolus होता है, ये oxygenated होता है और फिर ये हमारे left atrium से नीचे left ventricle में आता है, pump होकर ये different parts of body में supply कर दिया जाता है। देखो ये body में जा रहा है, इस तरह से ये ब्लड आया यहाँ से, देखो बॉडी से कलेक्ट होकर आया, इसको ध्यान दें, फिर ये यहाँ से पंप होकर यहाँ चला गया, लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा ये प्योर ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ से लेफ्ट वेंटिकल में आया और फिर पूरी बॉडी को ये सप्लाई हो गया। सिंस द ब्लड इज कमिंग टू टाइम्स इन अवर हार्ट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। और सर इससे जुड़ा हुआ हमारा एक सवाल भी है आपसे। जी, जिस तरह से सर हम देखते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति बड़े होते हैं तो उनमें कई बार हृदय के अलग अलग रोग देखने को मिलते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि हार्ट का जो बेसिक फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, तो ऐसे में क्या हम समझ सकते हैं कि हृदय के जो अन्य रोग होते हैं, जो कोई भी हार्ट डिजीजेज होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन शायद सही नहीं है, वही उसका मुख्य कारण है? वेरी गुड सिमरन जी, बिल्कुल सही बताया आपने, यू गॉट वेरी क्लियरली that when there is no proper transportation, transportation सही तरह से नहीं होता है हमारे ब्लड का, तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि ना ही हमारे फूड पार्टिकल्स पहुँच पाते हैं डिफरेंट टिश्यूज के अंदर, ना ही ऑक्सीजन पहुँच पाती है, एंड इट लीड्स टू वेरियस वेराइटीज ऑफ डिजीज। और उसको रोकने के लिए देखिए, योगा करना, एक्सरसाइज करना, हमें शुद्ध सांस लेना, अच्छी हवा में सांस लेना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो आपकी बुक का ये है कि दी ब्लड इज कमिंग टू टाइम्स इन द हार्ट, है ना, पूरी बॉडी में चक्कर लगाने से पहले एक बार तो लंग्स में जाता है और दूसरी बार शरीर में जाता है, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। फ्रेंड्स, दिस डबल सर्कुलेशन कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर टू योर माइंड। कई बार क्या है ये पता नहीं होता। अब मछली के अंदर क्या होता है कि ब्लड आया, उसके गिल्स के अंदर उसका ऑक्सीजनेशन हुआ और बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में चले गया, ये इसके हार्ट होता है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, ये बार लौट कर नहीं आता है यहाँ पर दोबारा, यही मेंढक में होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, सर्कुलेशन इज देयर बट ब्लड इज नॉट कमिंग टू टाइम्स हियर। बट इन द ह्यूमन बीइंग्स, मैमल्स, हम में, इनमें जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट होता है वो आता है लंग्स में, इसके क्लियर होता है, फिर दोबारा ये इसमें हार्ट में आ जाता है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। इसको और अच्छा क्लियर करके दिखा रखा है, सो फिश के अंदर गिल्स में जाता है, फिर टू चैम्बर हार्ट होता है, फिर वापस शरीर में आ जाता है। एम्फीबियंस में भी यही होता है, जो मेंढक होते हैं इनको एम्फीबियंस बोलते हैं, इसमें भी इट इज़ नॉट ए डबल सर्कुलेशन, बट व्हेन इट कम्स टू फोर चैम्बर हार्ट इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यू कैन सी डबल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग। अच्छा, फिर द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी, क्योंकि आपके यहाँ पर एक है कि भाई ब्लड वेसल्स क्या हैं, these are the tubes which are present in our body, they do not need thick walls because the blood is no longer under veins ke andar thin wall hoti hai, arteries ke andar thick wall hoti hai। camera ek minute mere haath par yadi focus kar le to main aapko bataunga, mere haath mein bahut achhi dikhai de rahi hai, blood vessels are seen here, so I am sure that these are visible and these blood vessels are carrying blood and the blood arteries bhi veins bhi hai। arteries ki wall thodi thick hoti hai क्योंकि पंप करने के बाद में प्रेशर होता है तो उनको बेयर करना होता है। वेंस जो है कलेक्टिंग होती हैं, तो और फिर इसके बाद में अभी बताता हूँ कि आर्टरीज और वेंस मिलती हैं, वहाँ कैपिलरीज बन जाती है। देखिए बहुत क्लियरली मैंने बता रखा है कि आर्टरीज आर थिक वॉल वेयर एज द वेंस आर थिन वॉल, ठीक है ना, फिर ये आर्टरीज से आर्टेरियोल्स बन जाते हैं फाइन ब्रांच, और ये फिर बाद में मिल के, और यहाँ कैपिलरीज हैं, बहुत फाइन कैपिलरीज होती हैं, चारों तरफ अपने टिश्यू है, तो यहाँ पर इनसे डिफ्यूज होकर अपना ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, फूड जाता है और फिर ये वेन्यूल्स और वेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर, थिक वॉल आर्टरी, थिन वॉल वेन्स, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर यूजिंग द कैपिलरीज, फाइन कैपिलरीज। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, अब ये बहुत बढ़िया चीज है, व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप अ लीक, कहीं से कट लग गया, कई बार आपने देखा अपने पेरेंट दाढ़ी बनाते बट कट लग जाता है, तो इसकी कैसी मेंटेनेंस की जाए, वरना तो खून बेहतर रहेगा। ये भी एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपके इसमें चैप्टर में दे रखा है कि हाउ हमारे कट लग जाता है। ये देखो, कट लगने के बाद में बहुत सारी ब्लड वेसल्स में से ब्लड आता है और ब्लड के अंदर आर बी सीज, डब्ल्यू बी सीज होती है, सब जानते हैं,
लेकिन ये देखिए प्लेटलेट्स दिखा रखे ना मैंने नीचे, दीज आर दी स्ट्रक्चर्स विच आर हेल्पिंग इन क्लॉटिंग द ब्लड। और ये देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया एक दिखाता हूँ, ये कट लग गया, खून निकल रहा है, खून निकलने के बाद में देखो क्या हो रहा है, ये प्लेटलेट्स आई। बहुत बढ़िया एक ये वीडियो है कि जब हमारे कट लग जाता है और कट लगने के बाद में जैसे हम खून निकलने लग जाता है, खून को रोकना है ना, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि हमें जहाँ पर कट लगाए ये आरबीसी जो है बहती रहती हैं, बट वंस ए प्रोटीन इज डिपोजिटेड हियर विद द हेल्प ऑफ द प्लेटलेट्स, द प्रोटीन इज कॉल्ड फाइब्रिन, इट इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स एज फाइब्रिनोजन, आप सब लोग जानते हैं। When the fibrinogen converted into fibrin, ये आकर आके इसको चॉक कर लेती है, जहाँ कट लगा था इसको बंद कर देती है, और इसकी वजह से फिर हमारा जो इनिशियली जैसे जो ब्लड बाहर निकल के आ रहा था वो बंद हो जाता है। This is the way our platelets are helping and maintaining the loss of the blood. They are protecting. ये देखो कहीं अपने खरोंच लगी और इसके बाद में coagulation हुआ, इसके प्रोसेस को coagulation बोलते हैं, थक्का बनना बोलते हैं। देर इज अनदर सिस्टम, कई बार आप देखते हैं यहाँ गले के अंदर टॉन्सिल वगैरह बन जाते हैं। देर इज वन मोर फ्लूड इन अवर बॉडी दैट इज कॉल्ड लिम्फ, और मैं अभी आपको लिम्फ वेसल दिखाता हूँ जिसके अंदर लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस, सो इट हैज गॉट बोथ द फंक्शंस, इट हैज गॉट WBCs, ये देखिए ये दिखा रखा है आपके कई बार टॉन्सिल हो जाते हैं यहाँ पर, तो दीज आर द लिम्फ वेसल्स। तो हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर आर्टरीज वेन्स कैपिलरीज नहीं होती है, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो कि हमें मदद करता है वेन एवर देर इज ए इंजरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन द WBCs कमिंग फ्रॉम द लिम्फ स्पेसेस एंड दे आर हेल्पिंग टू क्योर इट। ये पूरे शरीर में इस तरह का जाल फैला हुआ होता है, तो हमें अपने शरीर के अंदर न केवल एक सही तरह से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ब्लड का, परंतु लिम्फेटिक सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज़ एक आपके बुक के अंदर लिख रखा है, एक्सटेंडेड नॉलेज, ये नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड ब्लड प्रेशर। आज कहीं भी जाएँ आप अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टर के एक मशीन होती है उसको बोलते हैं स्पाइगो मैनोमीटर, SPHYGMOMNOMETR, ये नीचे लिख भी रखा है स्पाइगो मोमा नैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, तो हमारा ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी इन ए हेल्दी कंडीशन 120-80, है ना। ये सिस्टोलिक में ना जब अपना हार्ट सिमरनी जब हार्ट पिचकता है जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड वेसल्स पर जो दबाव आता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ 120। लेकिन जब रिलैक्स करता है हार्ट रिलैक्स करता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, दैट इज़ 80। सो हमें हालांकि जब हम उम्र में बढ़ते जाते हैं तो 120 80 नहीं रहता, थोड़ा चेंजेस होता है, डिफरेंट कंडीशंस में चेंज होता है, परंतु हमारे स्टूडेंट्स को हमारे ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट बीट करता है, हार्ट को तो बीट करना है क्योंकि हमारे डिफरेंट पार्ट्स में, मेरे ब्रेन के अंदर भी ब्लड जाना है, मेरे लेग्स में भी जाना है, मेरी उंगलियों के टिप्स में भी जाना है, हर जगह जाना है, तो बिना प्रेशर के तो जाएगा नहीं। सो कंट्रैक्शन प्रेशर एंड रिलैक्सेशन प्रेशर, द कंट्रैक्शन प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड रिलैक्सेशन प्रेशर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, दैट इज 80 mm ऑफ मर्करी। तो ये मशीन है, आप गए फिर इसके बाद में एक आपने देखा होगा एक छोटा सा बैग जो लगा देते हैं, फिर हवा यहाँ से पंप की जाती है, फिर डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के और वो लब डब की साउंड मेजर करता है। तो देर इज वन प्लेस वेयर द साउंड डिसअपीयर्स 120, देन इट रीअपीयर्स 80। तो ये एक प्रोसेस होता है जो आप आगे जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, हायर क्लासेस में आएंगे, 11वीं 12वीं के बाद आएंगे, ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। बट वी शुड नो that we should have a normal blood pressure, और जब वो होगा हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी सांस लेंगे। देखिए when there is a pollution, मैं आपको अब take home message देता हूँ, those who are audience sitting here and Simran ji मेरे ख्याल में हमारे audience भी जानने की कोशिश करेंगे
कि सर व्हाई टू मेंटेन अ गुड ऑक्सीजन एंड ब्लड प्रेशर लेवल. बिल्कुल सर, बहुत ही जरूरी है. बहुत ज़रूरी है. हम यदि पॉल्यूटेड एयर के अंदर जाएंगे, जैसे रोजाना खबर आ रही है दिल्ली एंड अराउंड एरिया, बड़े शहर मुंबई है, कलकत्ता है, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन द स्पेस दैट हैज़ टू बी ऑक्यूपाइड बाई द ऑक्सीजन. जहाँ ऑक्सीजन पहुँचनी है हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर, वहाँ ऑक्सीजन समुचित मात्रा में नहीं पहुँच पाती है. ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. मैंने अभी आपको दिखाया था माइटोकॉन्ड्रिया होता है. यदि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तो फिर उसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एक मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से ऊर्जा बनती है. मैं माइटोकॉन्ड्रिया पर आता हूँ. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. यदि यहाँ पर ये देखिए, ये स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. अब पॉल्यूटेड एयर के अंदर आप रहेंगे, यहाँ पर जहाँ पर कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि हमको एनर्जी बनानी है बोलने के लिए, लेकिन ऑक्सीजन आ नहीं पा रही है. हमारा हम बहुत खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं. We don't get enough quantity of the proper glucose molecule. हमको स्वाद में तो अच्छा लगता है, लेकिन ultimately what we have to get a glucose molecule that is used as a fuel. जैसे हम अपन गाँव में देखते हैं कोयला कहीं जलते देखा है, तो कोयला एक फ्यूल की तरह काम करता है, और कोयला जलेगा ऊर्जा मिलेगी, वरना कोयला ठंडा पड़ा रहेगा. If this glucose molecule goes without oxygen in the mitochondria, कोई मतलब नहीं है, पड़ा रहेगा, हमारी ऊर्जा नहीं बन पाएगी. तो सिमरन जी, ये कुछ फंडामेंटल्स मैंने आज क्लियर किए, व्हाई देयर इज नीड टू हैव अ हार्ट इन आवर बॉडी बिकॉज पंपिंग. मैंने एक छोटे से एक एनिमेशन के जरिए बताया. कोई क्वेश्चंस हैं या कोई भी आप जानकारी लेना चाहें, बिकॉज वी आर रीचिंग क्लोज टू अवर सेशन. सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो नीड ऑफ द आर यू हैव पिन पॉइंटेड द पॉइंट दैट पॉल्यूशन इट इज़ अराइजिंग स्पेशली इन दिल्ली एंड द एसोसिएटेड एरिया. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रिमेन हेल्दी एंड वी ट्राई आर बेस्ट टू डू दैट. फॉर दैट दीज सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आई बिलीव दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हाईलाइटेड ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सिमरन जी. ये जो मैंने अभी एनिमेशन दिखा रखा है ना, ये हर क्षण हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में चलता रहता है, और ये उम्मीद करते हैं कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले, हमें शुद्ध फूड पार्टिकल्स मिले, मॉलिक्यूल्स मिले. लेकिन हम किन कंडीशंस में रहते हैं, कंडीशंस को खराब कर देते हैं, देन बॉडी इज अंडर प्रेशर. बॉडी को बहुत सारे प्रेशर झेलने पड़ते हैं. सो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मेंटेन अ गुड क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट अराउंड यू, ब्रीथ गुड ऑक्सीजन, गो फॉर गुड एक्सरसाइज, and keep your body with good molecules. So this was the basic concept. सर, मुझे लगता है कि मनुष्य की संरचना ही इस प्रकार की गई है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और तमाम अन्य चीज़ें जो हमें आउटसाइड वर्ल्ड से लड़ने के लिए चाहिए वो ऑलरेडी इनबिल्ट मैकेनिज्म है जिसे हमें मजबूत बनाने की ज़रूरत है. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. Exactly. Thank you very much. जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे आज के साइंस के इस सत्र में, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह सत्र बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा आप सभी के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. इससे पहले कि इस सत्र को यहीं विराम दें, एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए. आप सब जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 के लिए एनसीईआरटी की विभिन्न पाठ्य पुस्तकें पूरे देश में उपलब्ध हैं. आप इन्हें खरीद सकते हैं सीधे एनसीईआरटी के सेल्स काउंटर से. अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट हम अपने हर सत्र में आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं, टिकर में फ्लैश करते हैं. ज़रूर इसे नोट डाउन कीजिए और जो भी किताबें, जो भी पाठ्य पुस्तकें जिनकी आपको आवश्यकता है, ज़रूर उन्हें खरीदें. और दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कुछ ही समय में संस्कृत का कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हम एक सत्र लेकर आने वाले हैं जिसका शीर्षक रहेगा सौहार्द्र प्रकृति शोभा. तो आप बने रहिए ई विद्या चैनल्स के साथ. कुछ ही क्षणों में हम वापस हाजिर होंगे. नमस्कार.